अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस लेने का तरीका, और इसमें चार प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी। सिस्को के तावन से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म के ऊपर ये आपको मुहैया की जा रही है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, IT एसेंशियल है, गेट कनेक्टेड और प्रोग्रामिंग एसेंशियल सी लैंग्वेज है, C++। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीयू कानपुर। और ये वीडियो है जो कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी, जिसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की थी 12 जून, और क्लासेस स्टार्ट होने का जो डेट था वो था 14 जून। आज 17 हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इन क्लासेस को लेना किस तरह है वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर पूछ सकते हैं आप। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया था इसके ऊपर, इस वीडियो को देखकर अब उनको सभी को मेल आ चुकी है, और मेल किस तरह होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, जिस ईमेल के ऊपर आपने अप्लाई किया था, प्रोवाइड की थी और अकाउंट को वेरीफाई किया था, उसी के ऊपर एक कोर्स एनरोलमेंट नोटिफिकेशन के नाम से मेल आई हुई है। यहाँ देखें आप, नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से कोर्स एनरोलमेंट नोटिफिकेशन इस तरह आई होगी, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो उन्होंने फर्स्ट नेम सेकंड नेम को मिला के इकट्ठा कर दिया है। यू आर नाउ एनरोल इन सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कोर्स साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल। मैंने इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाया था आपको, और उसी के ऊपर ये मुझे उनका नोटिफिकेशन आया। तो उनका अब जो क्लासेस लेने का तरीका है वो लिखा है कि सिंपली लॉग इन टू www.netacad.com, और उसमें आपने जाना IM Learning। तो इसमें जब हम लॉग इन करते हैं तो हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए होता है। सिंपली आपने इस ईमेल को ओपन करना है और इसके अंदर जाके IM Learning इसके ये लिंक को क्लिक कर देंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस ओपन होगा वो इस तरह होगा। अपने यहाँ पे ईमेल लगाना है, और ईमेल के बाद वो आपसे मांगेगा पासवर्ड, और पासवर्ड कौन सा होगा जब आपने लॉगिन करते वक्त लगाया था। पासवर्ड जो मेरा है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसको यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड अगर करेक्ट होगा तो फिर आपका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा नेटवर्किंग एकेडमी सिस्को की तरफ से। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने LMS के अंदर। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस है जो हमारा स्टेटस शो हो रहा है, I'm Learning कोर्स, I have enrolled, ये सारा कुछ आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च कोर्स पे चले जाना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरफेस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इंटरफेस है। कोर्स फॉर्म है, ग्रेड्स हैं, मैसेज है, कैलेंडर है, और यहाँ पे जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर चुके होंगे वो यहाँ पे आ रहा होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, इस इंटरफेस आने से पहले उन्होंने कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी होंगी, जिसमें आपका नाम वगैरह, उसको अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद ये इंटरफेस आएगा। मैं कर चुका हूँ, आपको वीडियो बनाने से पहले ही मैंने इसको चेक किया था और सारी चीज़ें देखी थी। इसमें जब इस इंटरफेस के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, सेशन प्लान्स और CSC रिकॉर्डिंग लिंक्स। आप इसको आपने ओपन कर लेना। ये एक्सेल की शीट है, इसमें जो प्लान आपका शेड्यूल है वो सारा दिया हुआ है। इस शेड्यूल के मुताबिक ये सारी चीज़ें होनी हैं। ये आपका शेड्यूल्स है, और इसमें जो 7 टोटल जो प्रोग्राम है वो होने हैं। उसके बाद उनके टॉपिक्स हैं, उसके बाद उनके टॉपिक लर्निंग आउटकम है, डेट ऑफ लेक्चर्स है, और टाइमिंग है कि किस टाइम के ऊपर वो लेक्चर होगा, टाइप ऑफ लर्निंग किस तरह है, क्वेश्चन आंसर है, और इस ऑलमोस्ट सभी में क्वेश्चन आंसर हैं, और साथ में आपको एक प्रैक्टिकल वर्क जो लैब है वो करवाया जाएगा। इस तरह आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं, और फिर उसको चेक कर देना है आपने। उसके बाद ये CSC रिकॉर्डिंग लिंक्स हैं, इसमें वीडियो लिंक हैं आपके लिए देखने के लिए। वेबएक्स मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। अच्छा जी, अगर आप इसको कंट्रोल और साथ में क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। जितने भी सेशन होंगे वो रिकॉर्ड होते जाते हैं और साथ साथ आपके साथ यूनिवर्सिटी लिंक भी शेयर करती जा रही है। यूनिवर्सिटी से मुराद सिस्को एकेडमी है। अब इसको चेक कर देना है और उसके बाद आपके चैप्टर 1 हैं, लॉन्च करेंगे चैप्टर 1 और जो इसमें से क्वेश्चन होंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं। अगले पेज के ऊपर ओपन हो रहा है, साथ में ये क्विज़ हैं, इस तरह क्विज़ भी कंप्लीट करने हैं और इस तरह आपने यहाँ से टिक करते जाएंगे। और टोटल इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं टोटल 9। इस तरह ये सारी चीज़ें आप करते जाएंगे और आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता जाएगा। साथ साथ आपने करना है और साथ साथ यूनिवर्सिटी जो एकेडमी है ये आपको करवाती जाएगी। हमने लॉन्च चैप्टर 1 पर क्लिक किया था तो इस तरह ये हमारे पास एक इंटरफेस आया है और उसके बाद ये सारी की चीज़ें इसमें समझाई जाएंगी। साथ में लिखा हुआ भी है और साथ में उसका जो विजुअल हैं वो भी आपके साथ आ रहे हैं। पढ़ना है आपने इसको इंतहाई ध्यान के साथ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। याद रखिएगा कि ये एक जो लाइन है ये आपके लिए बड़ी एसेंशियल है। इसी तरह आपने इसको पढ़ना और इसमें से फिर आपके जो क्विज़ हैं वो आपको करने होंगे। यहाँ पे चैप्टर 1 क्विज़ अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या ओपन होता है। द क्विज़ेस कवर्स द कंटेंट इन साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल 1.1 चैप्टर 1। चैप्टर 1 में से आपको फिर जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर आपने उसका आंसर देना है। यहाँ से अगर आप अटैम्प्ट क्विज़ करेंगे तो आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा और जितने अच्छे आपके नंबर होते जाएंगे फिर आप उसी तरह ही आपको इसका सर्टिफिकेट आपके ईमेल के ऊपर आता जाएगा। जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इस तरह ये बटन्स हैं। अब हम यहाँ पे क्विज़ 1 पे थे और इसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से बैक भी जा सकते हैं जैसे हमने चैप्टर 1 ओपन किया हुआ था। तो इस तरह आपने पहले तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, हर चीज़ को पढ़ने के बाद फिर आपने उसको हर चीज़ को जो भी आपको यहाँ पे वर्ड्स में या एक्सेल में चीज़ें मिलेंगी या कोई लिंक्स है या वीडियोस हैं वो आपने सारे का सारा कंप्लीट करना है। यहाँ पे डेट्स भी दी हुई हैं कि इस क्विज़ की जो डेट है वो 1 अगस्त है 5 PM तक और उसके अगले की जो है वो 1 अगस्त 5 PM, यानी 2 क्विज़ ड्यू हैं आपके। अगर हम डेट्स देखते जाएँ तो इसकी भी 1 अगस्त है, इसकी भी और इसकी भी, यानी 5 अगस्त 1 अगस्त तक आपने 5 बजे तक सारे के सारे क्विज़ कंप्लीट करने हैं। आज जून के आधा महीना गुजर गया, जुलाई और अगस्त, यानी आपके पास मज़ीद 45 दिन है, 45 से कम दिन है। इनको आपने कंप्लीट कर लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद फिर आप जो एक्टिविटीज़ होंगी इसमें 3 तरह की हैं। एक्टिविटीज़ हैं, एक्सटर्नल टूल्स हैं, अगर आप उसको क्लिक करें तो ये चैप्टर लॉन्च हैं, LTI इंस्टेंस हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं हर चीज़। वीडियोस भी आ जाएंगी आपके पास और रिटर्न मटेरियल भी आपके पास आ जाएगा। मतलब जितनी भी आप चीज़ें यहाँ से करना चाहते हैं वो आपको सारी की सारी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और यूँ समझ लें कि ईद की छुट्टियाँ अगर निकाल दी जाएँ तो आपके पास 1 महीना है इसको कंप्लीट करने का। और अगर इस बारे में अभी भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था, मैं लॉगआउट कर देता हूँ। लॉगआउट करने के बाद ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फिर इसके नीचे फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आपका वही होना चाहिए जो आपने अप्लाई करते वक्त लगाया था। और ये जो पासवर्ड है ये आधे घंटे कम से कम के बाद आपके पास आता है, फ़ौरन नहीं आ जाता है कि इधर से सेंड किया और इधर से आपके पास इसका जो है वो पासवर्ड आ जाएगा। इसलिए आप एक दफ़ा ईमेल यहाँ सेंड करके अनलॉक अकाउंट या फॉरगेट ईमेल एड्रेस ईटीसी करके, तो आपने क्या करना है कि वेट करना है और ईमेल को चेक करते जाते रहना है। तो जब आपका पासवर्ड आएगा तो फिर आपने उस पासवर्ड को लगा के दोबारा से कोई आसान सा पासवर्ड आपने सेट कर लेना है। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगी चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।